दोबारे। तो हेलो गाइस, आज के नए पतंगबाजी सेशन में आपका स्वागत है। तो आपने लास्ट वीडियो देखी हुई कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मांझा भरवा के लाया चरखड़ी के अंदर, आज उड़ाएंगे पतंग। वो वाला ब्लॉग देख लिया, उसमें मैंने पुराना मांझा उड़ाया था, इस बार नया मांझा भरवा के लाया, थोड़ा सा इससे उड़ाते हैं। चलो पीछे लड़ा। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे आज बहुत सारी पतंग उड़ रही है। इस तरफ एक बड़ी वाली पतंग उड़ रही है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। एक इस तरफ एक पिन्नी की पतंग उड़ रही है और एक ऊपर भी उड़ रही है पूरी। ये बहुत नीचे नीचे घूम रही है, आज इनकी पतंगें काटेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपनी पतंग उड़ गई है, ठीक है, करते हैं पन्नेबाजी। अब पन्नेबाजी पतंगबाजी करते हैं। तो वो जो देख लो हमारी पतंग उतनी ऊँची बढ़ चुकी है, इतना मांझा दस इतना मांझा बचा है, ठीक है। तो इसे भी जल्दी पतंग उड़ते हैं, सद्दी पे आ जाएगा। और सद्दी पे उड़ाने का ना अलग ही मज़ा आता है, सद्दी में ना कंफर्टेबल होता है थोड़ा। तो एक बीठा हाथ में हमारा चल रहा है। वो पिन्नी वाली पतंग दिखी आपको, मस्त वाली आपको शायद दिख रही हो, काली सी पतंग है वो, काली तो नहीं मतलब दिख काली रही होगी, है बढ़िया पतंग। उससे पीछे लड़ा चले हमारी पतंग देखो एकदम ऊपर दिख रही है, डांट पे बिल्कुल नीचे आ गया। भाई की बढ़िया आई गो दो कट गई दो। भाई सामने देखो मैदान बिल्कुल साफ हो गया है, दो ही पतंग गई थी और दोनों तुम्हारे भाई ने काट दी, घीच मार के खतरनाक है। ये पिन्नी के जोड़ रहे थे ना अभी, ये हमारी सदकी है इसलिए हम काट नहीं सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये रही हमारी पतंग, दिखाता हूँ जूम करके, ये रही अपनी पतंग, ठीक है। हम जा रहे हैं उस वाली पतंग के पास, दिख रही है आपको ये, थोड़ा ये ब्लर हो गया, वो नीचे चली गई भाई पतंग ही नीचे चली गई, अपनी पतंग नीचे आ चुकी है। ये भाई उड़ाता हूँ अपनी खतरनाक पिच काटे, ये आ गई आ गई आ गई आ गई। तो ये देखो ये आ गई, अब पिच होएंगी। ये ऊपर वाली अपनी पहली पतंग है और ये वाली पिन्नी की है, देखता है भाई छोटा भाई कैसे काटेगा पतंग। डंडे में अटक गए पतंग, ऊपर कर लो। हाँ अब घीच 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 कट गई कट गई कट गई कट गई। भैया आपने देखा कि हमारी पतंग कट गई, घीच थोड़ी गलत लग गई। मैं बता दो पतंग कैसे थी, तो उसकी पतंग ऊपर से थी, हमारी पतंग नीचे थी, पर हमें ना थोड़ी तिरछी करके घीच मारनी थी, वो तिरछी करके घीच लगी नहीं, वो एकदम बिल्कुल सीधी चली गई, धीरे से हमारी पतंग कट गई। देखा हमने एक पतंग से पहले दो पेचे काटे, तीसरी हमारी कट गई, अब एक पतंग और बच गई है, देखो जी अब इसको उड़ाते हैं, ठीक है। तो चलो कंधे बांध। तो भाई सीन कुछ ऐसा, सामने देखो जूम कर मारी जूम, तो सामने जो बच्चे खड़े हैं ना वो सामने, वो कह रहे हैं भाई हमारी पतंग मत काट रहा, हमारे पास एक ही पतंग है। हमने भी कह दिया भाई हम भी एक ही उड़ाएंगे बस, सब पूरी देख रहे हो खतरनाक सीन बना रहे तुम्हारे। तो अपनी दूसरी पतंग बांध के हमने, ठीक है अब इसको उड़ाएंगे, ठीक है आगे चलते हैं। तो अभी देख सकते हो हमारी पतंग कहाँ पर, तो पिन्नी वाली दिख रही है आपको, हरी वाली, हरी तो दिख रही है, काली काली दिख रही होगी, ये इसने हमारी पतंग काटी, अब इसका इससे पता चल जाएगा अपने भाई का, भाई ने घिस करके मारी था अपन मारते लंबी करते पतंग, घीच मारने का आसान तरीका बताता हूँ, पतंग अपनी लंबी रखना, लंबी रखो फिर उसका नहीं, पहले दूसरी वाली से बड़े लेते हैं, बहुत होता है राइडिंग कर पा रहा तो उसके स्टार्ट कर। तो ये देखो पतंग ये बहुत जमावड़ा हो गया, पहले मैं करता हूँ एक एक को साफ, फिर मारूंगा उस पे हाथ। मांझा कम है ना इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, मांझा कम है, अभी देखो घीस मार के दिखा
वाली जाएगी, देखो पिन्ने वाली जाएगी, पिन्ने वाली को तुम कर भैया। ओ काट दी तुम्हारे भाई ने एक बार। तो आपने देख लिया एक बच्चा हमने घीच से काट दिया। अभी जो गुड्डे वाली दिख रही है दिखाओ भाई, जूम मार के दिखाओ, देखो फड़फड़ा बहुत रही है। अब इसमें देखा एक तीखा वाला घीच, चलो देखो भाई। देखो घीच मारते मारते क्या हुआ भाई, किया गीठा टूट गया। तो भाई ने अभी गीठा बांधा, सदी टूट गई हमारी हाथ से। और चलते दोबारा भाई का खौफ देख रहा हूँ, पतंग दू डर के भाग गई। घीच इतनी तगड़ी मार रहे हैं ना भाई तुम्हारे, भाई पतंग देखो दू डर के भाग गई भाई। हाँ उसमें देखना थोड़ा। अरे यार ये डिसाइड नहीं करने दे रहे मुझे, आ गई आ गई, नहीं डिसाइड करने दे रहे, मारूं किसमें पतंग। आपके भाई ने खतरनाक उड़ारी धूम मार के दिखा दे, वो गिर रही हुई। तो फिर से मैदान साफ कर दिया तुम्हारे भाई ने गिरी बार मारे। अब चलते हैं वो पिन्नी वाली पतंग पे चलते हैं। अब जो ये जिसने जिससे हमें बदला लेना था, जिससे हमें बदला लिया वो ये वाली पतंग है। अब इसकी बारी करते हैं। तो देखो एक और पेचे होने वाले हैं हमारे। तो भाई आज का पतंगबाजी सेशन यहीं ख़त्म होता है। हम दो पतंगे लाए थे पर दो से हमने कितनी चार पतंगे काटी थी। लास्ट वाली तुमने देखी हो खतरनाक वाली घीचे से काटी थी। अगली वाली हमारी कटी हुई, हमारी वहाँ पर ढील पे पड़ गई थी, मतलब ढील हवा नहीं थी वहाँ पर, ऐसा कह सकते हो हवा तेज़ नहीं थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए हमारी कट गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। अगली पतंगबाजी सेशन मिलता है कल। बाय बाय।